आज की कहानी का नाम है मीना का परिवार। मीना के परिवार कहानी में हम मीना के साथ उसके घर चलेंगे और उसके परिवार वालों से मिलेंगे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की। वहां पर मीना का परिवार रहता था और मीना के परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे। तो कैसे इतने सारे लोग एक ही घर में मिलकर रहते थे, तो आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कहानी को और चलते हैं मीना के घर के अंदर। सबसे पहले मीना हमें मिलवाती है अपने दादाजी से। तो यह है मीना के दादाजी और साथ में ही खड़ी है मीना की दादी जी। तो ये हो गए मीना के दादाजी और दादी जी। अब हम मीना के साथ चलते हैं उसके पापा और माँ के कमरे में। तो अगला कमरा है मीना के माता पिता का। तो ये है मीना के पापा और ये है मीना की मम्मी। अब हम चलते हैं मीना के चाचा जी के कमरे में। ये है मीना के छोटे चाचा जी, जो मीना और उसके भाई को बहुत प्यार करते हैं। तो छोटे भाई का नाम लेने से याद आया कि मीना का एक छोटा भाई है जिसका नाम है दिवाकर। चलिए फिर मिलते हैं दिवाकर से। तो ये है मीना के छोटे भाई का कमरा जिसका नाम है दिवाकर और ये सिर्फ 3 साल का है। बहुत नटखट है और बहुत चुलबुला है। तो यह है मीना का परिवार जिसमें हम मिले मीना के दादा दादी से, मीना के मम्मी पापा से, मीना के चाचा जी से और उसके छोटे नटखट चुलबुले भाई जिसका नाम है दिवाकर। तो इन सभी से हमारा परिचय हो गया। अब हम देखते हैं कि मीना के घर में एक साधारण दिन कैसे बीतता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मीना का भाई दिवाकर बहुत चुलबुला है और मीना उसके साथ बहुत ज्यादा खेलती है। जब भी दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं, दिवाकर जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता था और जैसे ही मीना उसको ढूंढ लेती थी, वह जोर जोर से हंसने लगता था और खुश हो जाता था। ऐसे दोनों भाई बहन साथ में मिलकर खेला करते थे। मीना उसको पढ़ाती भी थी, कभी कभी दोनों बैठकर साथ में पढ़ते थे। मीना उसे गिनती सिखाती थी। दिवाकर जैसे ही कहता 1, 2, 3, 4 तो मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन जोर जोर से हंसने लगते। इतने में ही मीना के चाचा जी आ जाते हैं और वे दिवाकर को गोद में उठाकर खिलाने लगते हैं। ऐसे परिवार में सभी मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीनों जिसमें कि मीना, दिवाकर और उसके चाचा जी बाहर जाने लगते हैं और बाहर बरामदे में जाते हुए देखते हैं कि उनकी माँ फल काट रही है और दादी भी पास में बैठी हुई है। यह देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और खुश होकर बाहर आंगन में जाने लगते हैं और बाहर आंगन में जाने पर देखते हैं कि मीना के दादाजी और पिताजी दोनों पौधों में पानी डाल रहे हैं और दोनों ही फूलों को पानी देने में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों को बाहर आता देखते हैं, पिताजी और दादाजी दोनों अपने काम को छोड़ देते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान देने लगते हैं। दिवाकर दौड़कर अपने दादाजी की तरफ आता है और वह सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में माँ भी बाहर आती है और उनके हाथों में फलों की थाली होती है जो वह सबके लिए लेकर आई होती है और बच्चों को बुलाते हुए कहती है आओ बच्चों फल खा लो। और ऐसा कहकर माँ सबको फल बांट देती है और सभी लोग आपस में मिल बांटकर फल खाने लगते हैं और हंसते चहचहाते आपस में बातें करने लगते हैं और खुशी खुशी उनका समय इसी तरीके से बीतने लगता है। तो यह था मीना का छोटा सा परिवार जिसमें हमने देखा कि कैसे इतने सारे लोग आपस में मिलकर एक ही घर में रहते हैं, कैसे मीना अपने भाई के साथ खेलती है और कैसे उनके दादाजी, दादी जी, उनके माता पिता और उनके चाचा आपस में मिलकर रहते हैं और उनको प्यार से रखते हैं।
तो आज हम मिले मीना के परिवार से, अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।